जो मट्टी उसमें डाले थे वो एकदम बेकार मट्टी डाले, उसमें बॉडी डिस्पोज नहीं होती है, बॉडी डिस्पोज नहीं होती है तो बारिश में बहुत पास आती है। अब मैं जानता हूँ वो जगह पे क्या मट्टी थे, क्या वो जगह पे जो है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज। देखो सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारी आखिरत, जो आखिरत का आखिरत का मतलब बहुत बड़ा है, जो सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान का है। हम कब्रिस्तान के बारे में कुछ सोच रहे नहीं, कुछ बोल रहे नहीं, या जितने भी लोग आते हैं तो वो फजर में सब दिन कब्रिस्तान में देखते रहे, क्योंकि मैं कब्रिस्तान में फजर में पहुंच जाता हूँ। और सबको मालूम है जितने भी लोग आते हैं तो कब्रिस्तान का हाल बहुत बेकार है, बस अल्लाह बेहतर जानता है। जो जितने महरूमीन लोग हैं उनकी क्या हालात है वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हम जनाजे की नमाज़ पढ़ाते और अल्लाह के हवाले करते और वो कब्र के अंदर उनको अल्लाह के पास भेजते हैं, और वो जगह पे जो तकलीफ हो रही है और जो मट्टी का उसमें जो मट्टी उसमें डाले थे वो एकदम बेकार मट्टी डाले, उसमें बॉडी डिस्पोज नहीं होती है, बॉडी डिस्पोज नहीं होती है तो बारिश में बहुत बास आती है, और बास आने के बाद वहाँ आदमी रहना ये तकलीफ होती है। तो हम मैं बहुत टाइम बात किया, दो साल से मैं झगड़ा कर रहा, दो ढाई साल से कब्रिस्तान के लिए, क्या भाई पहली मट्टी भरी तो जाने दो, जो गलती हो गई अब उनको छोड़ दो, सेकेंड टाइम भी वही गलती वही चीज, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और 13 करोड़ 25 लाख रुपए गए वो कब्रिस्तान के लिए मट्टी के लिए, और वो मट्टी पूरी खराब कर रहे और हमारे आखिरत के लिए पे खेल रहे, तो अल्लाह तुम नहीं छोड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, तुम एक टाइम मस्जिद में पैसा चोरी कर लेंगे तो अल्लाह से तौबा कर लेंगे, माफ कर लेगा, तुम एक दूसरे जगह चोरी करेंगे माफ कर देगा, मत कब्रिस्तान में डायरेक्ट अल्लाह का मामला है, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वो कब्रिस्तान के लिए कोई भी गेम खेला अल्लाह कभी जिंदगी में ना माफ करेगा, अल्लाह को बेहतर फैसला करेगा और ये इलेक्शन में बेहतर फैसला बताएगा, क्योंकि तूने आखिरत की जगह से खेला है, तूने खेला है आखिरत की जगह से, और आखिरत की जगह में क्या है तेरा हजर को अल्लाह बताएगा तेरे, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन है, तूने जो करा तो उसका भरपाई तू करेगा। क्योंकि मेरी बहन सोहेल मैं जानता हूँ वो जगह पे क्या तकलीफ थे, क्या वो डॉक्टर वो जगह पे जो है उस जगह पे जो है तकलीफ कितनी, बॉडी की डिस्पोज नहीं हुई, और वो कब्र के अंदर क्या हो रहा है ना, मैं इनको कब्र खोद मानू मेरे को मानू, मैं रोज देखता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ क्या करेंगे। आप लोग तो जानते नहीं हो, आज आप लोग जाके दफन करके आ जाते, उसके बाद कोई जाता आना नहीं, कोई पूछने आना नहीं, आखिरत के लिए जाके दुआ करो, मुसीबत के लिए उनके लिए बहनों के लिए दुआ करते रहो, क्योंकि वही अपनी आखिरत जगह है, और हम वहाँ दुआ नहीं करेंगे, हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो मुसीबत की दुआ कौन करेंगे। तो इस तरह देखो मैं थोड़ी बात करी, मैं निकल रहा, मेरे से कोई गलती हो गई और मैं कुछ बोलने में गलती कर रहा, मैं